नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माता रानी की मूर्ति हम सभी के घरों में जरूर होती है, क्योंकि देखिए अगर माता रानी की पूजा हम लोग नहीं करते हैं तो हमारी पूजा ही पूर्ण नहीं होती है। जैसा कि हमारे शास्त्र में विधान है कि प्रतिदिन जो दैनिक पूजन हम लोग करते हैं उसमें भी पंच देवी देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो इसमें माँ दुर्गा की पूजा भी अवश्य होती है, हर घरों में होती है। तो निश्चित रूप से हर घरों में, हर मंदिर में माता दुर्गा की छोटी या बड़ी प्रतिमा जरूर होगी। पर दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि हर नवरात्रि माँ दुर्गा की नई प्रतिमा लानी है और 9 दिनों तक इसका पूजन करना है, इसके बाद जिस प्रकार हम जवारे का विसर्जन करते हैं, कलश विसर्जन करते हैं, जो फूल पत्ती 9 दिनों तक माता को चढ़ाते हैं, जो हवन सामग्री इस्तेमाल करते हैं, जो हवन की राख होती है, वो सारा जिस प्रकार हम विसर्जन करते हैं उसी तरह माँ की नई मूर्ति को भी विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। आपको नई मूर्ति हर नवरात्रि बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी मूर्ति, उसी फोटो से पूजा कीजिए जो आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं और प्रतिदिन उससे पूजा करते हैं। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मंदिर में मूर्ति रखने का क्या नियम है। अगर आप मूर्ति रखते हैं तो ये नियम लगता है, आपको अंगूठे के साइज से छोटी या फिर अंगूठे के साइज की मूर्ति ही रखनी है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में चांदी की मूर्ति माँ दुर्गा की बना करके रखते हैं, तो ऐसे में ध्यान बस यही देना है कि आपकी जो मूर्ति हो, आप दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे कि हमको अंगूठे की साइज की मूर्ति चाहिए, तो दोस्तों दुकान पे बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं वो समझते हैं, वो लगभग इसी आकार की मूर्ति आपको सबसे पहले दिखाएंगे, तो आप वहां से वो मूर्ति ले सकते हैं। और अगर आप फोटो रखते हैं तो फोटो में कोई छोटे बड़ी वाली समस्या नहीं है, आप फोटो किसी भी आकार का, किसी भी साइज की माँ दुर्गा की रख सकते हैं। तो हर नवरात्रि आपको फोटो लाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब कारण भी बताती हूँ आपको। देखिए, कारण ये है कि जो मूर्ति या जो फोटो हम पूजा करते हैं वो हमारे द्वारा पूजित हो जाता है। पूजित का अर्थ होता है कि माँ उसमें चल रूप में विराजमान होती है। अब चल इसलिए होती है दोस्तों कि सिर्फ अचल जो स्थापना होती है वो सिर्फ शक्ति पीठों में होती है, मंदिरों में होती है। हम जो घरों में मूर्ति रखते हैं उसमें चल रूप में ही भगवान विराजित होते हैं, विराजमान होते हैं, तो माँ उस मूर्ति में चल रूप में विराजित होती है। कारण ये है कि हम प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, तो भले ही हम स्थापना की विधि न जाने, स्थापना न करें, पर माँ चल रूप में उस मूर्ति में विराजित होती हैं। तो हमें मूर्ति को तभी हटाना चाहिए अपने घरों से जब किसी प्रकार से मूर्ति या फोटो आपका खंडित हो चुका है। जैसे फोटो है तो कहीं से फट चुका है या फिर उसका शीशा जो है वो क्रैक हो चुका है, तो इस स्थिति में आप फोटो या मूर्ति को बदल सकते हैं। और मूर्ति की बात हुई तो मूर्ति अगर टूट चुकी है आपकी, कहीं से थोड़ा बहुत भी मूर्ति में दरारें हैं, तो इस मूर्ति को आपको हटा देना चाहिए। बाकी प्रति नवरात्रि मूर्ति लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको तो खुश होने की बात है कि आप जितने अधिक समय तक अपनी मूर्ति को रख सकें और पूजा कर सकें, वो मूर्ति उतनी ही अधिक आपके लिए, आपके परिवार के लिए लाभप्रद होती है। अब दोस्तों, एक और समस्या है कि देखिए, सब लोग अपने अपने घरों में माता दुर्गा की मूर्ति रखते हैं, पर मूर्ति को रखने की सही दिशा नहीं जानते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही दिशा होती है माँ दुर्गा की मूर्ति रखने की, कि माँ दुर्गा का जो ईशान कोण होता है उसमें हम माँ की चौकी रखें। जैसा कि हम लोग मंदिर में भी ये विधि बताते हैं, मंदिर आप लोग रखते भी होंगे ईशान कोण। ईशान कोण का अर्थ होता है उत्तर पूर्व के कोने में। तो माँ दुर्गा की मूर्ति रखें तो सिर्फ उसको पूर्व और उत्तर के कोने में ही रखें, और माँ का मुंह जिधर होना चाहिए वो पश्चिम में। दोस्तों, शास्त्र हमारे बताते हैं कि माँ दुर्गा का जो मुख है, पूजा करते समय हमारा मुख जो है पूरब में होना चाहिए और माता का मुंह जो है वह पश्चिम में होना चाहिए। तो अब अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तब उतना शुभ नहीं माना जाता है। यानी भगवान का जो सबसे शुभ जो स्थिति होती है पूजा करने की, वो होती है कि भगवान का या माता रानी का मुख जो है वह पश्चिम दिशा में हो, ये सबसे शुभ स्थिति है। तो अब एक और चीज़ जानिए आप, कि अगर आप किसी भी कारण से आपके घर में जगह नहीं है या कोई समस्या है, तो आप माता को जो है पश्चिम की तरफ विराजमान कर रहे हैं और माता का मुख पूर्व में है और पूजा करते समय आपका मुँह पश्चिम में, तो इस स्थिति में भी कोई दोष नहीं लगेगा। पर बहुत अच्छा अगर फल पाना चाहते हैं नवरात्र में, तो आप माता का मुख जो है पश्चिम दिशा में ही रखें। पर फिर एक बार बताऊंगी कि अगर पश्चिम में नहीं रख पाते हैं, अगर माता का मुख जो है वह पूर्व दिशा में होता है, तो ये भी लाभ, ये भी नुकसान नहीं करता है आपको।
अब ये जान जाइए कि माता की मूर्ति को किधर नहीं रखा जाता है। तो कभी भी दोस्तों माता का मुख जो है वह दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए आपको। आपकी जो चौकी रखते हैं, जो सजा करके चौकी माता की कलश वगैरह रख करके 9 दिनों तक पूजा करते हैं, कलश रखना या न रखना ये आपके ऊपर है, पर माता की मूर्ति को दक्षिण मुखी कभी नहीं रखना चाहिए। इसी तरह उत्तर मुखी भी माता की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। अब उत्तर मुखी रखने में भी एक समस्या है दोस्तों कि माता को जब आप दक्षिण की तरफ विराजित करेंगे तब जाकर के माता की मूर्ति जो है वह उत्तर मुखी होगी। तो इसीलिए ये दिशा बिल्कुल आप इस दिशा में कलश स्थापना ना करें, माता दुर्गा की मूर्ति को कभी भी इस दिशा में स्थापित ना करें, चौकी को स्थापित ना करें। तो दोस्तों देखिए, माता दुर्गा की अगर मूर्ति आप खरीद के ला रहे हैं, चाहे अब ला रहे हैं चाहे कब पहले के लाए हों, तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए शास्त्र बताते हैं कि माता की सौम्य रूप में ही पूजा होनी चाहिए। अब सौम्य रूप वो होता है कि जिसमें माता जो है बिल्कुल शांत मुद्रा में और उनके मुख कांति जो है मुस्कराती हुई होनी चाहिए। कभी भी हमको इसीलिए बताया गया है शास्त्र में कि माता काली की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों माता काली जो है दुर्गा जी की ही रूप है, माता दुर्गा की ही स्वरूप है, पर उनकी मूर्ति को रखना इसलिए शास्त्र में वर्जित बताया गया है क्योंकि माँ जो है इसमें बहुत अधिक क्रोध में है और कभी भी क्रोध में या तांडव करते हुए भगवान की फोटो मूर्ति को घर में रखना मना किया गया है। तो माता के किस स्वरूप की पूजा होनी चाहिए, तो सिर्फ सौम्य शांत स्वरूप की ही पूजा होनी चाहिए। तो आप ध्यान दें कि माता की जो भी मूर्ति लाएं, और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं माता जी जो है महिषासुर का वध कर रही हैं, राक्षस का वध कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी अगर फोटो मूर्ति आप रखे हैं तो वो चीजें घर के लिए उपयुक्त नहीं बताई गई हैं। तो जब भी आप घर के लिए फोटो लें तो आप माता की आशीर्वाद मुद्रा में ही फोटो लें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अगर किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी इच्छा के लिए माता दुर्गा की मूर्ति को आप ला रहे हैं तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शेर का मुंह बिल्कुल बंद होना चाहिए और माता जो है आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मूर्ति अगर आप अपने घर के लिए लाते हैं, चाहे नवरात्रि में लाएं चाहे पहले लाएं, जब भी लाएं तो ये मूर्ति जो है कल्याणकारी होती है, ऐसा हमारे शास्त्र बताया है। अब दोस्तों देखिए, शेर का मुख खुला क्यों नहीं होना चाहिए, तो ऐसी मान्यता है कि शेर का मुख यदि खुला है तो घर में रहने वालों की खुशियों का भक्षण कर जाता है माता का वाहन शेर। अब कारण यही है कि वो शेर जो है वो क्रोधित है, भूखा है, तो ऐसी स्थिति में माता की फोटो जब भी आप लाएं तो ध्यान रखें कि शेर का मुँह जो है बंद होना चाहिए, शेर जो है वो बिल्कुल शांत मुद्रा में होना चाहिए। वही स्थिति माता के फोटो के साथ भी है। तो जब भी आप लाएं माता की बिल्कुल मुस्कुराती हुई, जो उनका मुखमंडल है वो मुस्कराता हुआ लगे, इस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए। और माता जो है एक हाथ से आशीर्वाद प्रदान करें, तो इस तरह की मूर्ति लाएंगे तो अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए इस प्रकार की मूर्ति लाती हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से वो मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो आप फोटो लाएं, जो भी लाएं, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे मूर्ति लाएं या फोटो लाएं। तो बस यही सारी कुछ जरूरी जानकारियां थी दोस्तों जो कि मुझे आपको देना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।